फिल्मी वर्ल्ड बच्चन इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ अभिनेता विक्रम गोखले के छोटे भाई मोहन गोखले को कौन नहीं जानता। मोहन गोखले जी का जन्म 7 नवंबर 1953 को पुणे में हुआ। मोहन गोखले जी एक मराठी अभिनेता और निर्देशक थे। उन्होंने मराठी नाटक, मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। मोहन गोखले जी ने स्कूल में पढ़ने के समय से ही नाटक में काम करना शुरू कर दिया था। जब वह पुणे में सर परशुराम और फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब से ही वो एक माहिर अभिनेता बन चुके थे। मोहन सर ने पुणे में प्रतिष्ठित पुरुषोत्तम करंडक एकांकिका प्रतियोगिता ती येते कईद इन मराठी नाटकों के वजह से जीती थी। 1972 में मोहन सर को घाशीराम कोतवाल इस मराठी नाटक में एक छोटी सी भूमिका मिली। इस नाटक में दिव्यकर्ता ब्राह्मण की उनकी भूमिका अविस्मरणीय रही। इसके बाद उन्होंने राज्य नाटक प्रतियोगिता के लिए सतीश आळेकर का नाटक महापुर का निर्देशन किया। जब वह पुणे में थे, तब आळेकर की मिक्की और मेम साहब और सतीश तांबे की बीज उनके महत्वपूर्ण नाटक थे। दोस्तों, मोहन सर बाद में व्यावसायिक नाटकों के लिए मुंबई आए, तब उनकी मुलाकात कानेटकर जी के साथ हुई। कानेटकर जी को उनका अभिनय इतना पसंद आया था कि उन्होंने मोहन सर को मराठी नाटक कस्तूरी मृग और सूर्याची पिल्ल इस नाटक में अहम भूमिका दी और मोहन सर का अभिनय इन दोनों नाटक में दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आया। बाद में मोहन सर की मराठी नाटक बेबी, डॉक्टर तुम्ही सुद्धा, नरू आणि जान्हवी ये मराठी नाटक भी बहुत लोकप्रिय हो गए। मोहन सर का अभिनय देखकर मराठी फिल्मों से भी उनको ऑफर आना शुरू हो गया। राजदत्त दिग्दर्शित मराठी फिल्म हेच माझे माहेर, माफीचा साक्षीदार और आज झाले मुक्त मी इन फिल्मों में मोहन सर के अभिनय को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। समांतर मराठी फिल्म में उनके अभिनय को आज भी लोग याद करते हैं। बाद में उन्हें गुजराती फिल्म भवनी भवाई के लिए केतन मेहता जी ने प्रमुख रोल की ऑफर मिली थी। बाद में उन्हीं के फिल्म मिर्च मसाला में भी मोहन सर ने अभिनय किया। सई परांजपे की स्पर्श, सईद मिर्जा की मोहन जोशी हाजिर हो, कुंदन शाह की जाने भी दो यारो, मीरा नायर जी का मिसिसिपी मसाला, राजा बारकिर जी का ठकास्ठक महाठक, अपूर्वा किशोर बीर जी के निर्देशनमन बने अरण्यक ड्रामा फिल्म में मोहन सर की भूमिका को दर्शकों ने बहुत सराहा। जब्बार पटेल जी के निर्देशन में बने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस फिल्म में उन्होंने जो गांधी जी की भूमिका की थी वो दर्शकों को आज भी याद है। यही नहीं दोस्तों, मोहन सर ने दूरदर्शन पर भी काफ़ी सीरियल्स की है, जैसे अल्पविराम, आशीर्वाद, जंजीरे, भंवर, मिस्टर योगी और लेखू जैसी भूमिकाओं को दर्शक आज भी याद करते हैं। दोस्तों, मोहन सर ने मराठी फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री शुभांगी संघवी जी से शादी की। दोस्तों, मोहन सर सिर्फ 46 साल के थे जब उनकी मद्रास में मृत्यु हो गई। तब वो मद्रास में हे राम की शूटिंग कर रहे थे। इस बीच दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इस फिल्म में वो गांधी जी की भूमिका कर रहे थे। दोस्तों, 29 अप्रैल 1999 को मोहन सर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मोहन सर को हमारे YouTube चैनल के तरफ से शतशः नमन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब